तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूं आपका होस्ट मेहताब आलम, आप देख रहे हैं मेहताब आलम ऑफिशियल। आज गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज करक में बुक फेयरवेल है, तो डिफरेंट कॉलेज से यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो इस वीडियो में हम स्टूडेंट से पूछेंगे कि उसको अब उसे मोहब्बत है कि नहीं है। सो देखते हैं कि स्टूडेंट क्या कहते हैं इस बारे में। चलो मेरे पास है वो करके दिखाएंगे हम, जो भी वादा किया हमने पूरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जान कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह का लाख शुक्र है, मैं ठीक ठाक। अच्छा। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। आज जब PGC में बुक फेयर है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हो? ये एक बहुत अच्छा प्रस्पेक्टिव है। स्टूडेंट हमारे यहाँ ज़्यादातर बुक्स नहीं पढ़ते, और यही हमारे माशरे की सबसे कमज़ोरी है। चाहिए स्टूडेंट को कि वो बुक पढ़ें, क्योंकि हमारे इल्म में इससे इजाफा होगा, बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ों का पता चलेगा। हम सिर्फ़ एक फील्ड के साथ जस्ट जुड़ जाते हैं, उसके अलावा किसी चीज़ की भी हाथ नहीं लगाते। बुक्स पढ़ने से ये होता है कि बाकी मुताला भी हमें हो जाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, पहले क्या हुआ था, या लोग क्या सोचते हैं। कुछ ऐसी भी बुक्स होते हैं जो हमें आगे की इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि आगे ज़माने में ऐसा होने वाला है, तो बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाई। अल्लाह का शुक्र है। वही जनाब, ये बताएं, बुक फेयर आज जो मेला है JPGC करक में, आपकी नज़र में इसकी कितनी अहमियत है, स्टूडेंट्स के लिए कितनी अहमियत का हामिल है ये? बुक फेयर स्टूडेंट के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल है, क्योंकि इससे लोगों की जो जहनी मुताला है वो वसी होता है, और बाकी जो तलबा होती है उसकी किताबों से जो मोहब्बत है वो भी और बढ़ जाती है। ऐसे माहौल से हमारी जो परवान है स्टूडेंट की तलबा की, वो और यानी बुलंदियों तक चले जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जान सर आगे शे ठीक ठाक बोला भैया, अल्लाह शुक्र दा ठीक ठाक दर तवे छे गुड़ा कलाश के नन्ना बुक फेयर दा नो तो नजर के बुक फेयर सुमरा जरूरत तो सुमरा अहमियत ता मुरादे पर स्टूडेंट्स दे पर बुक फेयर हो दा होटल मजदूर गदा चे दा मिस्ट हर कुल दा कीजी दा कचे दे सर डेरा फायदा कीजी उड़ की दे अखपल कोर्स सरानो रनो के तो गुना पढ़ाओ के दे ता पता लगी छे दा दुनिया के सर उंदी सुमरा चे मिजा रीडिंग गो अमर वो मिस्टर अखपल आईडिया सी सबर चे मिडा कि तो बुना ना पढ़ाओ गो मिस्टर बदे बल आड़िया होंगे उम्मीद चली ना सब चे वक्त से फेसबुक का गूगल यूट्यूब आर छड़ा देखे लग गया था नो बुक्स की अहमियत था दा में नहीं दार छड़ी ना दे दे परा था सा दे हाल को दे परा छे सा पैगाम रखा छे सुमरा जरूरत बुक बुक हो मिश्ता का मिला उस निजाम वक्त से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दो दे दे वजह ला जी कलम यो रीडर जो छु ओ मिस्टर लीडर गुड लीडर आसी मुहब्बत मिले सबको हुरमत मिले वोट जिसका भी हो उसको इज्जत मिले भाई जान आप ये बताए हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए बुक रीड करना कितनी अहमियत की हामिल है? बुक की यानी पढ़ने के बारे में मैं अगर इसकी अहमियत पे बात करूं तो मैं जितनी भी बात करूंगा कम होगी, और मैं मुख्तसरन सिर्फ इतना कहूंगा कि जब आप किताबें पढ़ेंगे या जो बंदा किताबें पढ़ता है वो एक से बढ़कर यानी कई लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो जीता है, और जो लोग किताबें नहीं पढ़ते वो बंदा सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़िंदगी जी सकता है। अच्छा भाई जान, आपको बुक के साथ मोहब्बत है कि नहीं? मोहब्बत हाँ मेरी भी है, और ये सब स्टूडेंट की भी है, इसलिए हम फिर वेलफेयर में आए हैं, बुक फेयर में लेनी भी चाहिए बुक। बुक पढ़ना ज़रूरी है हर इंसान के लिए, बुक से इंसान को बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, वो पक्की इंफॉर्मेशन मिलती है। बुक में जो लिखा होता है वो पक्की इंफॉर्मेशन होती है जी। मतलब आपके मुताबिक हम जो मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में जो सामान हमें मिल जाता है उससे बुक अच्छा है कि हम बुक रीड करें? हाँ, बुक इसलिए अच्छा है, मोबाइल में असर ऐसे आता है ना, जब आप किसी एक लिंक देख रहे हो ऊपर से किसी चीज़ का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो फिर वो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। बुक में आप उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते। बुक में इंसान की जो अट्रैक्शन होती है वो बिल्कुल अपनी पॉइंट की तरफ होती है। मोबाइल ज़रूरी है, मोबाइल भी पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन बुक जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, आपने बुक लिया है कि नहीं?
मेरे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जो अपनी बुक है वो ले रहा हूँ, अभी तक मुझे मिल नहीं रही। जो मैंने खुद के लिए सेलेक्ट की है वो अभी तक मुझे मिल नहीं रही, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मिल जाए, फिर ले लूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाओ? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप ये बताएं, ये बुक फेयर है कॉलेज में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मेरा तो ये कहना है कि क्लास के बुक के साथ साथ और भी दुनियावी बुक पढ़नी चाहिए, ताकि एजुकेशन जो है जितना ज़्यादा हासिल कर सके इंसान को उतनी ज़्यादा मौका मिलता है आगे बढ़ने का। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़नी चाहिए, ताकि हमारे एजुकेशन में बहुत इजाफा हो जाए। अच्छा, आपने कोई बुक लिया है कि नहीं? हाँ, बुक तो लिया है, सीरतुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह। लाल भाई, आप ये बताएं, बुक फेयर की कितनी अहमियत है स्टूडेंट्स के लिए? ये बहुत अहमियत है स्टूडेंट के लिए, लेकिन एक चीज़, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं या वक्त ज़ाया करेंगे मोबाइल पे, ये आपको ज़हनी टचर भी करेंगे, यूट्यूब वगैरह। ये ज़्यादातर वक्त आप अगर बुक को दे रहे हैं तो ठीक है, बुक को देते तो ठीक है। और माशाल्लाह स्टॉल बहुत अच्छा स्टॉल लगाया है, बहुत से लोग यहाँ आ रहा है दूर दूर से। ये मेरे ख्याल में 3 दिन हो रहा है जीपीजीसी कॉलेज में। मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ पॉलिटिकल साइंस का, तो मैं अपनी कॉलेज की तरफ से तमाम लोगों को इनवाइट करता हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन रह गए हैं, आज पहला दिन था, तो सब आ जाए यहाँ से बुक ले लें। यहाँ बुक आसान रेट पर मिल जाएंगे आसानी से, तो सब कोशिश करें कि यहाँ पे एक बार आ जाए और इन्जॉय करें, बुक भी ले लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक किताब मेला गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज करक तंजीम इसातज़ा करक की तरफ से जो मुनक़द किया जा रहा है, तो अभी जितनी बड़ी तादाद में मैंने बॉयज़ एंड गर्ल्स को देखा है, प्रोफेसर साहिबान और जैसे बाहर के गेस्ट भी आए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी हमारे एजुकेशन सेक्टर की। हाँ, वो हायर एजुकेशन है, हाँ वो प्राइमरी एजुकेशन है, हाँ वो सेकेंडरी एजुकेशन है। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा अब्दुल वदूद साहब के रिक्वेस्ट को लेके कि हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि अगर किसी स्कूल में इस तरह के अगर बच्चे मौजूद हों, क्योंकि हमारा सेशन ऑफ हुआ है, लेकिन अगर कहीं पे मौजूद हों तो हम उनका भी विज़िट कराएं। किताबें कितनी ज़रूरी हैं, इसको अगर मैं रिपीट करूं तो ये टर्निंग वो दोबारा वाली बात होगी कि इसकी कोई अहमियत को हम वो नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन एक मैं जस्ट फॉर वजाहत के लिए कह दूंगा कि जैसे फ्रांसिस बेकन, एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र ने जो कहा था कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड ओनली वाइल सम अदर्स टू बी स्वालोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल वदूद सदर तंजीम इसातज़ा डिस्ट्रिक्ट करक को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये दूसरा साल है मुसलसल के इधर ये किताब मेला मुनाकिद कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि इससे कुतुब बीनी को जो फ़रोग मिल रहा है करक ज़िले में, इसका पूरा क्रेडिट जो है वो मैं अब्दुल वदूद को दे रहा हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ इन तंजीम इसातज़ा का कि उन्होंने दोबारा हमें मौका दिया है कि इस कॉलेज में ये मेला मुनाकिद किया जा रहा है। और मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट करक के तलबा और किताब पढ़ने वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ और इस मौके से फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि इसमें मयारी किताबें भी मिल रही हैं और कम कीमत पर भी मिल रहे हैं, तो इस मौके से फ़ायदा उठाएँ। शुक्रिया। हम बस वो दूसरे प्रिंसिपल साहब मनवर दे हायर सेकेंडरी स्कूल करक प्रिंसिपल खबर कहूँ वदूद साहब दे मुशरा هلته کې کولیګ ده نو هغه پیرډونه او خوستل دغه کتابونه ارینج کول یقینا چې ډېر سټډي چار دو او ودو صاحب ته د هر کلی شبشای وایم چې دا دومره سټیم نه لري چې د کرک ضلع خلک یې کتابونه او دا کتابینی منې مړ کړه او کتاب اهمیت چې دغه خو موږ دغه کوای ځکه نه شو چې الله په خپل قرآن مجید شروعات دې دغه نه کوي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب انہیں د کتاب اہمیت دا اللہ پاک خپل کتابو کې بیان کړی دا او بیا چې کیما د آدم علیہ السلام تو سلام چې کلا فرشتو ته ما پیدا کو الله پاک ته چې دوی ز شپو پیژ ته سه نه پیژو بیا فرشتو منه هغه نمونه سه د کتابو والا وشل آدم علیہ السلام ته وشل بیا آدم علیہ السلام ریپیټ کړ
اغه واجی نه فرشتو ته وای چې دا ادم ته تاسو سجدا وکړو د دې کتاب په اهمیت ته واجن نو موږ یوزلی بیا ودود صاحب ته دغه یو او خاص کرکې پرنسپل صاحب اجمل صاحب ته چې د پل کلچ کې داسې ایم ایل اے ته چې کیمه دو هغه زوی ورکه هغه چې کیمه دو افتتاحي تقریب کې موږ سره شامل شو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنظیم اساتذہ کرک کی یہ کوشش رہی ہے کہ جتنی بھی تعلیمی اور پروفیشنل ایکٹیویٹیز ہوں، سرگرمیاں ہوں، ہم وقتاً فوقتاً ان کا انعقاد کریں. کرک کی سطح پر ہم نے کتاب میلہ پچھلے سال بھی منعقد کیا تھا اور اس سال بھی. اس سے ہمارا مقصد یہی ہے کہ طلباء و طالبات کا دوبارہ کتاب کے ساتھ رشتہ جوڑ دیا جائے. بلکہ اگر میں کہوں کہ کتاب سے محبت کرنے والوں کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے اور اسی خاطر ہم کتابوں کا میلہ منعقد کرتے ہیں تاکہ وہ اکثر بازاروں میں نہیں جا سکتے اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کتاب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ انتخاب کر لیتے ہیں. لہٰذا ان کے لیے بھی آسانی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ٹیچر بھی ابھی نکلنے کے بارے میں رائے دے سکتے ہیں اور لہٰذا